दोस्तों नब्बे के दशक में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक कलाकार आए उनमें कई अभिनेता ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में काफी सुर्खियां बटोरी लेकिन वक्त के साथ न जाने कहाँ खो गए ऐसे ही कई अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल है एक नाम और एक चेहरा जो आज भी अपने जमाने के शानदार अभिनय को लेकर लोगों के दिलों में बजा करता है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने चॉकलेटी फेस और बेहतरीन अभिनय के जरिए हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले अभिनेता अविनाश वधावन की जिन पर बचपन से ही एक्टिंग का ऐसा नशा चढ़ा था कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी इन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना और हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी बता दें कि अविनाश को आवाज दे कहाँ है गीत जुनून जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है साथ ही ये फेमस टीवी धारावाहिक बालिका वधू' में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं अविनाश ने छोटे और बड़े दोनों पर्दे पर राज किया है जिसमें वो मुख्य रूप से हिंदी पंजाबी गुजराती भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में नजर आए हैं तो दोस्तों आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे नब्बे के दशक में बॉलीवुड पर अपने अभिनय के जलवे बिखेरने वाले अभिनेता अविनाश वधावन की और आप सभी को इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर और पारिवारिक जीवन से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह इन्होंने इंडस्ट्री से दूरियां बना ली और अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से किस तरह इनका करियर ग्राफ नीचे गिरता गया अविनाश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 2 नवंबर उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पूरा किया है वो एक शिक्षित फैमिली में रहते थे जिससे इनके घर वाले अविनाश से भी पढ़ लिख कर कुछ बनने की आशा रखते थे फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए अविनाश ने पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन उनका मन बार बार उन्हें हिंदी इंडस्ट्री की ओर आकर्षित करता था जिसके चलते उन्होंने अपनी एम की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में अपना करियर बनाने का निश्चय किया और लाखों की जॉब को ठुकराते हुए अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाकर फिल्मों में काम तराशने लगे वो अपनी तरह तरह की फोटो और वीडियोस को कई प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में भेजते रहते थे और एक दिन अपनी मेहनत और टैलेंट के चलते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया उनको अपने करियर की शुरुआती दिनों में फिल्मों में बहुत छोटे छोटे रोल मिले उन्होंने वर्ष 1986 में फिल्म प्यार हो गया के माध्यम से बॉलीवुड में प्रवेश किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और इस फिल्म में अविनाश के काम को भी काफी सराहा गया परिणाम स्वरूप अविनाश को और भी कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे जिसके चलते उन्होंने सन उन्नीस में फिल्म इंसाफ की पुकार में काम किया लेकिन उनके करियर को एक नया रुतवा फिल्म आवाज दे कहा से मिला यह सन उन्नीस की सिप्ते हसन रिजवी द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें अविनाश वधावन ने लीड हीरो का किरदार निभाया और उन्हें मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी ब्यूटी क्वीन शिखा स्वरूप के साथ काम करने का मौका मिला साथ ही फिल्म में बिंदु और सत्येन कप्पू ने भी अभिनय किया इस फिल्म में काम करने से पहले फिल्म के डायरेक्टर ने अविनाश को अपना नाम बदलने का सजेशन दिया बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अविनाश का रियल नाम राकेश कुमार वधावन था लेकिन अपने फिल्मी करियर के चलते और डायरेक्टर सिप्ते हसन रिजवी के कहने पर उन्होंने अपना नाम राकेश कुमार से बदलकर अविनाश वधावन रख लिया अविनाश इस फिल्म के लिए काफी उत्सुक थे क्योंकि यह उनकी एक लीड एक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी जिसमें अविनाश ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और लोगों के दिलों में अपना विशेष स्थान बना लिया इस फिल्म के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया जिनमें उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों जैसे आयशा जुल्का अश्विनी भावे के साथ काम करने का मौका मिला बता दें कि अविनाश को प्रसिद्धि दिलाने वाली और वाली और 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 लोकप्रिय बनाने दो फिल्में फिल्में जुनून गीत थी थी दोनों फिल्में साल साल में रिलीज हुई अविनाश के लिए काफी लकी साबित हुआ हर तरफ सिर्फ अविनाश की एक्टिंग और चार्मिंग चेहरे के ही चर्चे होते थे इसके बाद निर्देशक पार्थो घोष द्वारा निर्देशित फिल्म गीत में इनको उस समय की प्रसिद्ध प्रमुख महिला स्वर्गीय दिव्या भारती की साथ काम करने का मौका मिला फिल्म सफल रही और दिव्या भारती के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया इसके बाद अविनाश फिल्म जुनून में नजर आए इस फिल्म को अभिनेता अविनाश वधावन के फिल्मी करियर में मील का पत्थर माना जाता है कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्में जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है जिनमें परवाने दिल की बाजी धनवान पापी गुड़िया बलमा पुलिस और मुजरिम चुप आजा सनम, बलमा, कैप्टन भवानी, फरार, महाशक्तिशाली, मीरा का मोहन, आई मिलन की रात घर आया मेरा परदेसी फूल बने पत्थर जैसी कई सफल फिल्में शामिल हैं। अविनाश ने कई फिल्में की और हर फिल्म में उनका अभिनय उत्कृष्ट रहा अविनाश अपने समय के बेहद लोकप्रिय अभिनेता रहे हिंदी सिनेमा के अलावा इन्होंने पंजाबी फिल्म दर्द परदेसा दे गुजराती फिल्म मोटा घर नीलाज भोजपुरी फिल्म सुहागन बनाद सजना हमार में भी अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे और जगत सिनेमा के साथ अपने प्रशंसकों के दिलों में भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी एक समय ऐसा भी आया कि अविनाश ने एक साथ 40 से 50 फिल्म साइन कर दी थी लेकिन इनमें से कुल 17 फिल्में ही रिलीज हो सकी जिस वजह से अविनाश के करियर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा अविनाश अपने करियर की चरम सीमा पर थे और जब उन्हें अच्छी परियोजनाओं पर काम करने के लिए कई प्रस्ताव मिल रहे थे तभी उन्होंने अभिनय से मुख मोड़ लिया और अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के कारण फिल्मी दुनिया से दूरिया बना ली वो अमेरिका लंदन में अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगे इस बात से अनजान यह फैसला उनके बने बनाए करियर को पूरी तरह से खराब कर सकता है और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में वापसी करनी चाहिए लेकिन तब तक इनकी जगह हिंदी सिनेमा में दूसरे कलाकार ले चुके थे जिस वजह से उन्हें फिल्मों में दोबारा काम नहीं मिल पा रहा था और उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने का तय किया उन्होंने स्टार प्लस के हिट धारावाहिक विदाई में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई इसके अलावा उन्होंने सपना बाबुल का शोभा सोमनाथ की नामक सीरियल में अहम किरदार निभाए जिसमें इनके किरदार को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया अविनाश टेलीविजन पर बालिका वधु नामक सबसे लोकप्रिय श्रृंखला में से एक में दिखाई दिए और उन्हें बहुत सराहना मिली अपने इस किरदार को लेकर वो काफी दिनों तक चर्चा में रहे साथ ही उन्होंने एक वेब सीरीज रिस्कनामा दो में भी काम किया ये सीरीज ड्रग्स की समस्या पर आधारित है जिसकी कहानी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के इर्द गिर्द बुनी गई है वेब सीरीज में दिखाया गया कि ड्रग्स माफियाओं के चंगुल में फंसने पर लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अविनाश एक उत्तर भारतीय व्यवसाय परिवार से ताल्लुक रखते थे इनके माता पिता या परिवार का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और उनका परिवार लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करता है जिस वजह से उनके परिवार की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है लेकिन बात करें अविनाश के निजी जीवन की तो उन्होंने दो में नताशा वधावन से शादी की है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका एक बेटा भी है जिनका नाम सम्राट वधावन है नताशा से शादी से पहले अविनाश ने एक मॉडल छाया से शादी की थी लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया कहा जाता है कि दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे जिसके चलते सन 2000 में उनका तलाक हो गया और यही वजह थी कि अविनाश ने फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूरियां बना ली थी लेकिन फिर अविनाश की जिंदगी में नताशा आई और अविनाश की जिंदगी सवर गई सुनने में आया था कि उनकी पहली पत्नी छाया के साथ उनका एक बेटा भी है लेकिन इस बारे में पब्लिक डोमेन पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से हमेशा दूर रखना चाहा है इन दिनों अविनाश अपनी दूसरी पत्नी नताशा और अपने बेटे के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश है और साथ ही अच्छा काम मिलने पर एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते हैं अविनाश अपनी पत्नी नताशा और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। अविनाश का सबसे खुशी का दिन 2 नवंबर 2011 था जब उनके बच्चे का जन्म हुआ था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके बच्चे का जन्म उनके जन्मदिन पर हुआ अपने फ्री समय में अविनाश किताबें पढ़ना पसंद करते हैं साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग करने का भी शौक है कम समय के लिए ही सही पर अविनाश हिंदी सिनेमा में काफी अच्छा योगदान दे चुके हैं तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद